Hi friend, my name is Vikas Chakravarti. In this session, I am going to tell you forfeited and reissue of share related problem. The problem number 8. Okay, अब देखते हैं problem number 8 है क्या? Problem number 8 में क्या दिया हुआ है जो CBSE में आए हुए क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है वो क्या है क्या? पढ़ते हैं. The director of a company forfeited 300 share of which 10 each issued at a premium of which 3 per share. यानी कंपनी कह रही है कि डायरेक्टर ऑफ कंपनी जो कंपनी का डायरेक्टर है 300 शेयर को फॉरफिट कर रही है जिसका शेयर प्राइस कितने की थी 10 रुपए का एक था एंड प्रीमियम कितने रुपीस का था 3 रुपीस पर शेयर था. फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉल मनी रुपीस 2 पर शेयर. 2 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल की अमाउंट पे नहीं थी. द फाइनल कॉल रुपीज 2 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड. कंपनी ने 10 रुपए में से 2 रुपए कॉल नहीं की थी यानी मांगी नहीं थी. फिर उसके आगे क्या कर रहा है? हाफ द फॉरफिट शेयर वेयर रीइशूड एज रुपीज 1500 एज फुली पेड अप. यानी फुली पेड अप में कर रहा है यानी जिसकी उसकी फेस वैल्यू थी उतने में की जा रही है. रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफिटेड एंड रीइशू ऑफ शेयर. अब देखते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ क्या था. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने के हैं? 300 शेयर हैं. नंबर ऑफ शेयर कितना है? 300 शेयर्स. ठीक है, एट द रेट ऑफ रुपीज 10. ठीक, कंपनी का ये उसमें 2 रुपए कॉल ही नहीं की. यानी कंपनी ने मांगा कितना था? कंपनी ने जो कॉल नहीं किया था फाइनल कॉल का यानी फर्स्ट कॉल थी फर्स्ट कॉल. ठीक है, एंड सेकेंड कॉल क्योंकि पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने इसी का पेमेंट नहीं किया है. तो फर्स्ट कॉल रुपीज कितने का था? रुपीज 2. एंड सेकंड कॉल भी रुपीज कितने का था? 2 रुपीज का था. नंबर ऑफ शेयर कितना है उसके पास? 300. ठीक, अब कंपनी ने 300 शेयर में से उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने क्या नहीं पेमेंट किया? फर्स्ट कॉल की अमाउंट तो पेमेंट नहीं किया और कंपनी ने इस पर कॉल ही नहीं किया. अनकॉल्ड है, अनकॉल्ड यानी कंपनी ने कॉल ही नहीं किया. जब इसको कंपनी ने कॉल नहीं किया तो कंपनी ने जब कॉल नहीं किया होगा तब कंपनी इसको क्या कर रही होगी? इतना जब मांगी नहीं तब ये हट गया. यानी सेकंड कॉल कंपनी मांगी नहीं 2 रुपए से. तो अब कंपनी ने मांगा कितना? यानी 10 में से कंपनी ने मांगा कितना था? कंपनी का फेस वैल्यू कितने का था? 10 रुपीज का था. कंपनी 2 रुपीज कॉल नहीं की तो कंपनी कॉल अप अमाउंट कितनी हो गई? 8 रुपीज. ये जो 8 रुपीज है कंपनी ने जो कॉल किया हुआ यही हमारे कहां पे आएगी? वो कैपिटल में आएगी. कितने शेयर के लिए आएगी? 300 शेयर के लिए जितना कंपनी प्रॉफिट कर रही है. और कंपनी इसमें बता रही है कि प्रीमियम भी है लेकिन प्रीमियम क्या है यहाँ पे प्रीमियम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसने पेड किया या नहीं पेड किया. तो यह कंसीडर किया जाता है कि उसने पेमेंट कर दिया है. जब भी अनपेड होगा तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में इंडिकेट जरूर करेगा. अब यहाँ पे प्रीमियम अगर पेड है तो इसका मतलब क्या हो रही? प्रीमियम तो फॉरफिट की एंट्री में आएगी नहीं. तो फॉरफिट की एंट्री आएगी होगी तो होगी क्या? तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी? जो फर्स्ट जर्नल एंट्री करेगी कंपनी जो कंपनी ने मांगा कितना रुपए तक था? 8 रुपए तक. तो कंपनी के यहाँ पे जो जर्नल एंट्री होगी पहली वो क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर फॉरफिटेड शेयर्स. फॉरफिटेड शेयर हुआ और कंपनी ने किसका अमाउंट से पेमेंट नहीं किया था? फर्स्ट कॉल का. तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल. अब देखिए कंपनी ने मांगा कितना था? 300 शेयर पे मांगा है. कितने रुपीज तक कॉल किया था? 8 रुपीज तक. 8 रुपीज तक ऐसे मालूम हूं लोग को कि कंपनी ने फाइनल कॉल मांगी नहीं है. तो यानी 10 रुपए में से 2 रुपए मांगा नहीं तो मांगा कितना है कंपनी ने? ओनली केवल 8 रुपीज तक. तो यहां पे कितने से आएगा? 300 इंटू 8 2400. ठीक, अब उसे पेमेंट नहीं किया तो पेमेंट नहीं किया क्या? कितना नहीं पेमेंट किया? 2 रुपीज से फर्स्ट कॉल की अमाउंट पे नहीं की यानी 300 इंटू 2. अगर इसको इधर देख लेते हैं 300 इंटू 2 के हिसाब से उसने पेमेंट नहीं किया यानी कितना पेमेंट नहीं किया उसने? 600. यानी कंपनी ने मांगा था 8 रुपए मांगा था 8 रुपीज कॉल की थी जिसमें उसने अगले ने पेमेंट नहीं किया था. कितना नहीं पेमेंट किया था? 2 रुपीज तक. यानी पेमेंट कितना किया होगा? 8 रुपीज आपने कॉल किया कंपनी ने और 2 रुपीज पेमेंट नहीं हुआ तो पेमेंट पेड कितना हुई होगी? 6 रुपीज तक. यानी यहाँ फॉरफिट में कितने से आ जाएगा? बैलेंसिंग अमाउंट से भी देख सकते हैं और इस हिसाब से भी हम लोग चेकिंग कर सकते हैं कि 300 इंटू 6 के हिसाब से उसने पेमेंट किया होगा. कितना पेमेंट किया होगा? 1800. ओके, तो नेशन क्या हो गई? बीइंग द 300 शेयर्स फॉरफिटेड
कंपनी ने 300 शेयर को क्या कर ली, फॉरफिट कर ली। कंपनी कर रही है हाफ शेयर, यानी हाफ ऑफ शेयर को रीइशू कर रही है 1500 में, यानी हाफ शेयर कितना हो गया, यानी 300 का अगर हाफ निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/2 किया तो कितना हो गया 150 शेयर्स। और कंपनी कर रही है कि 150 शेयर को कितने रुपीस में कर रही है, 1500 शेयर को रीइशू कर रही है कितने रुपीस में, रुपीस सॉरी 150 शेयर को कितने रुपीस में कर रही है, 1500 में। और कंपनी कर रही है फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब क्या हो गया कि कंपनी का जितने का जो ये अमाउंट था, कंपनी के जो फेस वैल्यू कितने की थी, 10 रुपीस, यानी नंबर ऑफ शेयर इनटू फुली पेड अप, यानी कैपिटल के अमाउंट कितना आएगा, ये भी कितनी आएगी 1500। अगर यहाँ पे कंपनी रीइश्यू कर रही है 1500 में और कंपनी की जो अमाउंट भी आ रही है कितना आना चाहिए फुली पेड अप के हिसाब से 1500, इसका मतलब ये क्या हो गया एट पार की कंडीशन हो गई। तो एट पार की कंडीशन में क्या हो गया, यहाँ पे जो नेट गारंटी करेगी कंपनी तो अपने यहाँ पे तो जनरेट क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी को मिल कितना रहा यहाँ पे 1500, और कंपनी के यहाँ पे कैश अमाउंट में भी कितनी आ रही है 1500, क्योंकि यहाँ पे 1500 कैसे आई है फुली पेड अप के हिसाब से। तो नेशन क्या हो गया, बीइंग 150 शेयर फॉरफिट, बीइंग 150 शेयर रीइशू, कंपनी कितना शेयर रीइशू कर रही है 150 फॉरफिटेड शेयर। अगर इसको और आगे कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं 150 फॉरफिटेड शेयर्स रीइशूड कंपनी ने क्या किया कि उसने में से हाफ को रीइशू कर ली। अब यहां पे देखते हैं कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट हुई थी क्या नहीं, कंपनी को अगर कैपिटल प्रॉफिट हुई क्या उसका उसने यूज किया या नहीं, अगर यूज किया होगा तो उतने अमाउंट माइनस कर दिया जाएगा, अगर यूज नहीं किया तो उसकी जो भी अमाउंट आएगी वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, वो कैपिटल रिजर्व में। अब देखते हैं कंपनी के लिए जो कैपिटल प्रॉफिट थी वो कितने रुपीस का था, एक शेयर पे 6 रुपीस था, लेकिन कंपनी ने क्या रीइशू में कहीं यूज किया नहीं किया, तो नंबर ऑफ शेयर कितने और कंपनी कितने शेयर को रीइशू कर रही है उसके हाफ को, यानी 300 का हाफ कितना हो गया 150, तो 150 इंटू 6 यानी कैपिटल प्रॉफिट पर शेयर कितना है 6 रुपीस से है। तो यहाँ पे अब 6 रुपीस से जब इसकी कैपिटल प्रॉफिट आ रही है तब की कंडीशन में, तो जितना रीइशू में भी यूज कर रही है कितना कर रही है 150 शेयर को कर रही है, तो 150 इंटू 6 के हिसाब से जो भी अमाउंट आएगी वो कहां पे आएगी उसे कैपिटल प्रॉफिट, और कैपिटल प्रॉफिट ट्रांसफर कहां करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो जनरेट क्या हो जाएगा, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितने से 150 into 6 से ये कहां से आ रहा है, क्योंकि एक शेयर पे कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट कितने का था 6 रुपीस का था, और कंपनी को यहां पे कोई रीइशू में तो कोई यूज नहीं हुआ नहीं, इसलिए जो भी अमाउंट आई ये कहां पे चली जा रही है कैपिटल रिजर्व में। 150 into 6 कितना आया यहां पे 900 आ गई। अब कंपनी का जो ये जो लेसन क्या लिखेंगे, बीइंग गेन ऑन किस पे गेन कर रही है, गेन ऑन रीइशूड ट्रांसफर्ड कहां ट्रांसफर कर रही है कंपनी, कहां करती है कैपिटल प्रॉफिट आई तो ट्रांसफर कहां करेगी कैपिटल रिजर्व में, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इस टाइप से कंपनी की यहां पर एंट्री होगी। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या था, कंपनी 300 शेयर को प्रॉफिट की और उसमें से 1/2 शेयर को रीइशू कर रही है, वो भी किस पे कर रही है एट पार पे। अगर आपको ये चीज अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट में सेंड कीजिए। मेरी एक और सजेशन है कि जब भी कोई वीडियो देखे तो उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है क्वेश्चन को जरूर पढ़े। ओके, थैंक यू।